हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सैम्पल पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये 2020 के एग्ज़ाम्स के लिए जो सैम्पल पेपर सीबीएसई ने रिलीज़ किया है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सैम्पल पेपर में बायोलॉजी सेक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका बायोलॉजी में है, there's a table given about blood glucose level. There's a table given about blood glucose level. There are different sections. Doctor advice needed. इसमें आपका जो है ब्लड के ग्लूकोज का लेवल दिया हुआ है एक पर्टिकुलर पर्सन के अंदर, एक्सलेंट, गुड एंड डॉक्टर एडवाइस नीडेड, इसके बारे में दे रखा है। एक्सलेंट इसके यूनिट को अगर हम देखें, इट इज मिलीग्राम पर डेसीलीटर। मिलीग्राम पर डेसीलीटर में आपका यूनिट दे रखा है 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, 115 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ये आपका एक्सलेंट लेवल है, मतलब कि आपका जो है अगर ये लेवल है आपके बॉडी के अंदर तो इसको हम लोग एक्सलेंट कह सकते हैं। उसके बाद आपका जो है गुड लेवल दिया हुआ है 180 तक। उसके बाद आप देखें 215 से लेके 380 तक अगर आपके ब्लड के ग्लूकोज का लेवल है तो उसमें आपको डॉक्टर के एडवाइस की ज़रूरत है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट ग्राफ देखेंगे। इसमें आपका दिया हुआ है ब्लड रिपोर्ट ऑफ पेशेंट एक्स एंड वाई, आपके दो पेशेंट्स के ब्लड रिपोर्ट का कंपैरिजन दिया हुआ है। अब इसमें आपके फास्टिंग बिफोर ब्रेकफास्ट, फास्टिंग का लेवल दिया हुआ है पेशेंट एक्स का, इट इज लेस देन 100 एंड पेशेंट वाई का इट इज 70 to 130। उसके बाद आपका बिफोर लंच, सपर एंड स्नैक्स, आपका जो है लंच से पहले जब आप स्नैक्स वगैरह लेके आप ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को चेक करवाते हो तो इट इज 110, लेस देन 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और पेशेंट वाई का जो है 70 to 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। उसके बाद आप देखो तो 2 hours आफ्टर मील, दो घंटे के बाद, खाना खाने के 2 घंटे के बाद का आपका लेवल दिया हुआ है, इट इज 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर एंड इट इज ग्रेटर देन 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इन सेकेंड पेशेंट। उसके बाद आपका बेड टाइम का ग्लूकोज का लेवल दिया हुआ है, इट इज लेस देन 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर एंड इन सेकेंड पेशेंट इट इज 19 to 15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अब हम लोग जो है अब क्वेश्चंस पे आते हैं। इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस क्या हैं? रेफर टू टेबल बी शोइंग द ब्लड रिपोर्ट ऑफ द लेवल्स ऑफ ग्लूकोज ऑफ पेशेंट एक्स एंड वाई इन फॉर द डिजीज विच कैन बी डायग्नोस्ड फ्रॉम द गिवन डेटा। आप जो है इन दोनों ग्राफ को देख के, इन दोनों आपके टेबल को देख के आपको क्या पता चल रहा है, कौन सा आपका जो है, कौन से डिजीज से ये पर्टिकुलर पर्सन जो है वो सफ़र कर रहा होगा। तो हम लोग क्लियरली जानते हैं आपके ब्लड के ग्लूकोज का लेवल अगर बढ़ जाता है देन इट इज़ कॉल्ड डायबिटीज़, या फिर इसको हम लोग हाइपरग्लाइसेमिया के नाम से भी जानते हैं। तो हम लोग फर्स्ट वाले का आंसर दे सकते हैं कि इट इज़ डायबिटीज़। सेकेंड, आइडेंटिफाई द हार्मोन हुज लेवल इन द ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अबव डिजीज। तो दूसरे आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा हार्मोन है जो आपके ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आपको पता है ये आपका जो हार्मोन है जो कि आपके ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है आपके बॉडी के अंदर, दैट इज इंसुलिन। इंसुलिन ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन कर रहा है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। That is, which one of the following diets would you recommend it to the affected patient? Affected अगर patient है, अगर कोई आपका patient आपके diabetes से affected है तो उसको किस तरह का diet लेना चाहिए, इसके बारे में आपका question है। तो हम देखें यहाँ पे आपके 4 options दे रखे हैं।
एक आपका हाई सुगर एंड लो फैट डाइट, सेकेंड ऑप्शन है लो सुगर एंड हाई प्रोटीन डाइट, थर्ड ऑप्शन है हाई फैट एंड लो फाइबर डाइट, एंड फोर्थ ऑप्शन इज लो सुगर एंड हाई फाइबर डाइट। ओके, अब फर्स्ट ऑप्शन हाई सुगर एंड लो फैट डाइट, आपका सुगर का कंटेंट ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है आपका इंसुलिन का लेवल जो है वो कम है, तो आपका ब्लड का सुगर जो है वो बढ़ गया है, तो आप हाई सुगर डाइट लेंगे तो और ज्यादा आपका जो है लेवल आपके सुगर का इंक्रीज होगा, तो फर्स्ट आपका ऑप्शन नहीं होगा। लो सुगर एंड हाई प्रोटीन डाइट, आपका सुगर का कंटेंट कम है बट प्रोटीन आप ज्यादा ले रहे हो, तो आफ्टर ऑल प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से आपका जो है सुगर में ये कन्वर्ट होता है, प्रोटीन इज कन्वर्टेड इंटू सुगर ग्लूकोज, तो ये भी आपका जो है डायबिटीज के लिए बेनिफिशियल एप्रोप्रिएट डाइट नहीं है। हाई फैट एंड लो फाइबर डाइट, अगर हम हाई फैट और लो फाइबर डाइट की बात करें तो फैट का कंटेंट ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है फैट के मेटाबॉलिज्म से भी आपका ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है, दैट विल इंक्रीज योर ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो आपका थर्ड ऑप्शन भी नहीं होगा। फिर आपका लो सुगर एंड हाई फाइबर डाइट, तो सुगर का कंटेंट आपके डाइट में कम होना चाहिए और आपका जो है डाइट्री फाइबर्स या फाइबर का जो आपका कंटेंट है आपके डाइट के अंदर वो ज्यादा होना चाहिए ताकि मैक्सिमम आपका ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन हो सके, ब्लड के आपके ग्लूकोज का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो सके, तो वी कैन से दैट द फोर्थ ऑप्शन इज एप्रोप्रिएट और करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेफर टू द टेबल ए एंड सजेस्ट द वैल्यू ऑफ द मीन ब्लड ग्लूकोज लेवल बियॉन्ड व्हिच डॉक्टर्स एडवाइस इज नेसेसरी, मतलब आपका जो है कौन से लेवल के बाद, किस लेवल के बाद आपका डॉक्टर का जो एडवाइस है वो नेसेसरी हो जाता है। आप यहाँ पे देखें एक्सीलेंट आपका लेवल है, ठीक है, यहाँ पे आपको डॉक्टर के एडवाइस की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर हम देखें दूसरा आपका लेवल है दैट इज गुड, इट इज अप टू 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, अगर 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक आपके ब्लड का ग्लूकोज लेवल है तो इट इज गुड, अगर 180 से अबव हो रहा है दैट इज 215 इज द स्टार्टिंग रेंज, तब आपको जो है डॉक्टर के एडवाइस की जरूरत होती है, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है दैट इज द एप्रोप्रिएट वन, तो वी कैन से दैट above 180 milligram per deciliter the doctor's advice is necessary. Okay, fine. Okay, thank you. कैसा था?